अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डब्ल्यू टी वी, मैं हूँ वजात अली। इस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यादगार में कुछ फायरिंग हुई थी जिसके बाद दोनों तरफ दो गिरोह आमने सामने हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, इंतजामिया और पुलिस यहाँ पे मौजूद है, एसपी भी मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर गिलगित भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे भी एहतजाज हो रहा है जबकि दूसरी तरफ भी एहतजाज जारी है। ये आप देख सकते हैं फोर्स की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे एहतजाज की ये एहतजाज जारी है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ एहतजाज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप फायरिंग हो रही है, फायरिंग कर रही है, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार चौक पे, दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो रहा है और फायरिंग हो रही है। एक बंदे को गोली भी लगी है और फोर्स भी मौजूद है, फोर्स भी फायरिंग कर रही है इस वक्त, शदीद तरीन फायरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं ये मनाज़िर है, पुलिस अलर्ट खड़ी है। ये आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं, बराए रास्त मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, दो जगहों पर शदीद फायरिंग हो रही है और नाज़रीन यहाँ पे फायरिंग हो रही है शदीद किस्म की। उससे पहले यहाँ से कोई रैली गुजर रही थी जिसपे फायरिंग हुई है शायद, जिसके बाद यहाँ पे हालात कशीदा हुए हैं और दोनों तरफ एहतजाज हो रहा था, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी और जिसके बाद एक दूसरे के साथ पथराव शुरू हुआ। पथराव शुरू होने के बाद फौरी तौर पे ये फायरिंग शुरू हुई है, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मैं बड़ा हैरान आपको दिखा रहा हूँ। वो जख्मी है, देखो यार इसको देखो आगे, मैं नहीं करता, किधर है यार, मैं नहीं देखो, ये देखो मत, ये देखो सब बीच का, क्या करें हम आपसे, ये देखो बैठा हुआ
देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है और पुलिस की भारी तादाद भी मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद एकदम से जो है गिली शहर के हालात कशीदा हुए हैं। आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे सुनसान हुआ है रोड। हमने हो रहे दो तीन दो मारा है, इंशाल्लाह हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मर गया तो शहादत है, क्या हो गया ले, मर गया तो शहादत है। लोग ये देखो नाज़रीन, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, हालात कंट्रोल कर लिए गए हैं। इस वक्त कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। और पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस ने मुजाहिरीन जो थे उनको यहां से मूव कर दिया है, रोड खाली करवाया है, क्लियर करवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये कितने मारे मारे लोकेशन है जी। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर खुद वहाँ पे मौजूद है मौके पे और उसके साथ फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है हालात इस वक्त कंट्रोल में है। डीसी गिलगित भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद नफरी जो है यहाँ पे तलब कर ली है और जिसके जीबी स्कॉट रेंजर के दस्ते भी यहाँ पे अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और हालात मुकम्मल तौर पे इस वक्त कंट्रोल में हैं। ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए पुलिस भी, एसएसपी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और भारी तादाद में नफरी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, आप पुलिस यहाँ पर मौजूद है, हालात इस वक्त कंट्रोल कर लिए गए हैं। ये देखें आप इस वक्त एसएसपी गिलगित शहबाज लाई, डिप्टी कमिश्नर गिलगित उसामा मजीद दोनों यहाँ पे मौजूद हैं भारी तादाद में और रेंजर जीबी स्कॉट और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंचाई गई है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये देखें ओपन अस्त्र लेके आ रहे हैं, ये ओपन पुलिस के साथ ये बदमाशी कर रहे हैं। ये देखें आप, और पुलिस भी पहुंच चुकी है, जूम थी गन भाई, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पुलिस मौजूद है यहाँ पे, ये देखें, ये इस वक्त हालात कशीदा हैं, यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है। ये देखो, डीसी साहब क्या है, मजीद फोर्स मंगवाएंगे, क्या करेंगे, फोर्स आ रही है जी। डीसी साहब का कहना है कि मजीद फोर्स यहाँ पे आ रही है जिसके बाद हालात कंट्रोल होंगे। यहाँ पे इस वक्त भी भारी नफरी मौजूद है पुलिस की, जीप स्कॉट और रेंजर को भी बुलाया गया है और जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है
इस वक्त एक बड़ी तादाद में क्राउड यहाँ पे इकट्ठा था, जिसके बाद पुलिस आपस में पथराव होने के बाद यहाँ पे दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम की शक्ल अख्तियार किया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और उसके बाद हालात को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। भारी मकदार में पुलिस, जीप स्कॉट और रेंजर की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुँचाई गई है और कुछ फोर्स मजीद यहाँ पे आने वाली है। यह आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर। ये देखिए पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं और अब हालात जो हैं कंट्रोल में हैं। रेंजर भी अलर्ट खड़ी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं रेंजर के जवान अलर्ट खड़े हैं। ये देखें आप, बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई है और भारी मकदार में पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसके बाद हालात जो हैं यहाँ पे कंट्रोल में होंगे। ये देखें एक जख्मी को गोली लगी है, जिसके बाद ये जख्मी भागता हुआ यहाँ पे आया है, इसको अभी रेस्क्यू करके अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए लेके जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं और ये देखिए जख्मी को लेके गए हैं यहाँ से और अभी जो है ऑपरेटर जहांगीर गिलगित टू खालिद साहब को बता दे अपने साथ एक दो सारे भी लेने, ये यादगार चौक से यादगार महले की तरफ जो श्री पार्क की तरफ है उस एरिया में पहुंच जाए। पूरी सिकंदर साहब को बता दें बाकी डी सी ऑफिस साइड पे वो एसएचओ साहब जुड़िया लाएंगे अपने के साथ। बाकी शहीद मिलन रोड पे एसएचओ साहब सिटी मौजूद है अपने नफरी के साथ, उसने कवर किया होगा। ये देखिए हल्की फुल्की फायरिंग अभी भी हो रही है और पुलिस की भारी तादाद मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद हैं यहाँ पे, एसएसपी भी मौजूद हैं। हालात काफ़ी कंट्रोल किए गए, मजीद फोर्स यहाँ पे मंगवाई गई है और उसके बाद जो है हालात यहाँ पे कंट्रोल हुए हैं, इस वक्त नॉर्मल है। एक जख्मी था जिसको पुलिस ने फौरी तौर पर अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया है और हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंतजामिया के कंट्रोल में हैं। ये आप देख सकते हैं अब से कुछ देर कबल यहाँ पे तकरीबन हज़ारों का मजमा था और इस तसादुम के बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिस पे पुलिस ने हवाई फायरिंग की, शेलिंग की, जिसके बाद क्राउड यहाँ से